हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, जिसके बारे में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। आज हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर स्टडी करेंगे। इसकी मेनली इसे क्या कहा जाता है, इट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज, इट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइजेशन ऑफ initialization of data members declared privately in the class, जो क्लास के अंदर प्राइवेट पोर्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज़ ए स्पेशल मेंबर फंक्शन, स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट हैज़ द सेम नेम लाइक इट्स क्लास। यानी कि जो हम एक क्लास का नाम देते हैं वही नेम उसके जो कंस्ट्रक्टर का होता है। एंड इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज द वैलिड वैल्यूज टू द डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। इसके अंदर हम एक चीज़ और भी बोल सकते हैं, द कंस्ट्रक्टर इज invoked whenever an object of its associated class is creates। जब भी इसकी एक क्लास को हम क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया जाता है, मीन्स कॉल किया जाता है, इसको कॉल किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर ऑफ ए क्लास। इसे कंस्ट्रक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, जो वैल्यू है उसके एक क्लास की उसके डाटा मेंबर्स को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड constructor because it constructs the value of data members of a class। मैं आप थोड़ा सा आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, उससे शायद आपको क्लियर हो जाएगा। क्लास, मैं एम्प्लॉई, क्लास एम्प्लॉई ले ली मैंने एक, ठीक है। उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट करी, इंटीजर लिया हमने, एम्प्लॉई नंबर ले लिया, ठीक है। एक करैक्टर के अंदर हमने क्या ले लिया, नेम ले लिया, किसका नेम हो गया, एम्प्लॉई का नेम हो गया। एक कैर के अंदर हमने ले लिया इसका डिपार्टमेंट, की डिपार्टमेंट किस चीज़ का हो गया। फिर हमने लिया पब्लिक, पब्लिक के अंदर हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है। तो कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, एम्प्लॉई लाइक दिस, डेट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। अब हम देखते हैं, एम्प्लॉई हमने इसको किया, अब इसमें हमने एम्प्लॉई का नंबर डाल दिया, कितना नंबर है इसमें, कुछ भी, एनी नंबर यू कैन टेक। फिर इसको जो ब्रेसेस हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी, हमने उसको यहाँ पे क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हमने इसको वाइड शो करना है, वाइड शो किया। अब इसमें क्या था, जो एम्प्लॉई था ये क्या था, कंस्ट्रक्शन फंक्शन था, कंस्ट्रक्शन फंक्शन हो गया, ठीक है। और जो हमने ये वाइड शो लिया है ये क्या हो गया, मेंबर फंक्शन हो गया। ये हमने क्लास के अंदर सारा समझा है बेटा। फिर इसके अंदर हमने सी आउट में जाना है, यहाँ पे एम्प्लॉई का नंबर लेना है, एम्प्लॉई नंबर इज़ रखा आपने, फिर इसको सी आउट किया, एम्प्लॉई नंबर,
सी इन करना है, सॉरी सी इन किया, एम्प्लॉय नंबर में इसको हमने सी इन कर लिया। ये ब्रेसेस बंद करी और फिर ये जो क्लास स्टार्ट करी थी यहाँ से हमने इसको हमने क्लोज कर देना। फिर हमने वो मेन फंक्शन लेना है, वॉइड मेन लिया हमने, इसमें एम्प्लॉय के साथ हमने क्या बनाना है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट हमने ले लिया E1। अब E1 के साथ हमने किसको शो करना है, वॉइड शो को, तो E1.show, ठीक है। फिर वैसे ही सेम गेट CH और इसको हमने कर दिया, जो ये ब्रेसेस स्टार्ट करती है इसको हमने कर दिया क्लोज। अब इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन फंक्शन विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली विद द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। इस पोर्शन के अंदर हम ये चीज़ क्लियर करेंगे, कंस्ट्रक्शन फंक्शन विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली, कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली विद द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। जो कंस्ट्रक्शन फंक्शन है ऑटोमेटिकली कॉल होगा जैसे ही एक क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल मेन। अब इसके अंदर आती है, इसके बाद इसकी बेटा हम थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी। सबसे पहले तो यही आएगा, इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम, क्लास नेम के साथ इसका जो नेम है वो सेम होता है। फिर सेकंड हम लिखेंगे, इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ये भी हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को बनाना क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, ये हमें कुछ भी वापस नहीं करता है, एक्स्ट्रा कुछ भी वापस नहीं करता है, जो फंक्शन है उनको ये यूज़ मिलाता है। और सबसे बड़ी बात, इट शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन। ये मैंने भी आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट में ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को उठा लेता है, लेकिन पब्लिक के अंदर हमें इसे डिफाइन करना पड़ता है, जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में डिफाइन किया था एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉय क्या था, हमारी क्लास थी, उसके साथ हमने इसको किया, ये किया डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर को, ये कंस्ट्रक्शन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट इज़ कॉल्ड बाय द कंपाइलर ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड बट डिराइव्ड क्लास कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट आता है, इट कैन हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, इसके अपने ही आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको ये उठाता है। और नेक्स्ट 8 नंबर पे आएगा, ए ऑब्जेक्ट विद कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज ए मेम्बर ऑफ यूनियन के मेम्बर के रूप में कभी भी हम कंस्ट्रक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं यूज़ करते। और नेक्स्ट रहता है, इट कैन बी कॉल्ड इम्प्लिसिटली एंड एक्सप्लिसिटली। अब इसमें एक्सप्लिसिटी कॉल क्या होती है, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इम्प्लिसिटली कॉल क्या होता है। इसके अंदर इंटीजर
हम जो डिफाइन करते थे ना इंटीजर ए इंटू 10, 20, ये क्या कहलाता है? एक्सप्लीसिटली, ठीक है। और एक दूसरा तरीका होता था इंटीजर जे इज इक्वल टू इंटीजर 10, 10, ये क्या कहलाता है? एक्सप्लीसिटली। यानी कि दोनों ही तरीके से इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। टाइप्स इसकी 3 होती हैं। सबसे पहले टाइप होती है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और थर्ड होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। आज हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में स्टडी करेंगे बेटा। नंबर फर्स्ट पे है हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये क्या होता है? इट इज़ ए स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट हैज सेम सेम नेम as that of class name and has no argument or parameter। ना तो इसके पास कोई argument होता है ना ही कोई parameter होता है। It is used to provide some डमी वैल्यू टू द डाटा मेंबर ऑफ द क्लास, टू द डाटा मेंबर ऑफ द क्लास, ठीक है। एक चीज़ इसके अंदर और भी होती है बेटा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैन बी प्रोवाइडेड इन ए प्रोग्राम बाय द प्रोग्रामर और बाय कंपाइलर इट्सेल्फ। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इट कैन बी प्रोवाइडेड इन ए प्रोग्राम बाय द प्रोग्रामर और बाय कंपाइलर इट्सेल्फ। या तो प्रोग्रामर की हेल्प से इसे प्रोवाइड किया जाता है या फिर कंपाइलर से खुद उठाता है। व्हेन नो कांस्टेंट इज डिफाइंड, व्हेन नो कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड इन द प्रोग्राम तो इसे कौन उठाएगा? देन द कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अपने आप से वो एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर देगा। एक मेन चीज हो रहा है इसके अंदर, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, जब एक क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है तो उसका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो वर्क्स करता है ऑटोमेटिकली। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क्स ऑटोमेटिकली। जैसे ही एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। बट इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन, इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन ऑफ ए क्लास। एक मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, बुक में देखते हैं हम बेटा वो एग्जांपल। पेज नंबर 233 पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमने एक क्लास ली स्टूडेंट,
उसके अंदर हमने डाटा मेंबर को डिक्लेयर किया, इंटीजर रोल नंबर कैर नेम ले लिया, इसमें एरे के साथ किया कि 20 करेक्टर तक आप इसके अंदर नेम एंटर कर सकते हो, इंटीजर ले लिया, वर्क्स ले लिया, पब्लिक डिफाइन किया, पब्लिक के अंदर हमने ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किया, स्टूडेंट सेम ले लिया एज नेम एज डेट ऑफ क्लास, फिर रोल नंबर लिया हमने इसमें ये डाल दिया नेम, इसमें एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी डाल सकते हैं, मार्क्स कितने हो गए यहाँ पे बेटा, वर्क्स नहीं आएगा यहाँ पे मार्क्स आएगा, तो मार्क्स इसमें हमने दे दिए 50। फिर इसको हमने क्या कर दिया क्लोज, वो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किया, अब इसको डिस्प्ले कराना है, तो सी आउट के अंदर रोल नंबर नेम और मार्क्स तीनों डिस्प्ले कर देंगे, फिर वॉइड उसको क्लास को बंद किया, फिर वॉइड मेन फंक्शन लिया स्टूडेंट एस टी यू, ये एस टी यू क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एस टी यू क्या हो गया ऑब्जेक्ट, क्लियर स्क्रीन लगा दी, एस टी यू ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले क्या है हमने यहाँ पे डिफाइन किया था वो लगाया, गेट सी एस लगाया, बंद किया, ये आपका क्या बन गया एक प्रोग्राम बन गया, जिसके अंदर हम जो कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट में इसने उठाया किस रूप में स्टूडेंट, तो अब इसकी जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करा देगा, क्या क्या प्रिंट कराएगा, रोल नंबर ये प्रिंट कराएगा, नेम ये कराएगा और मार्क्स ये प्रिंट कराएगा, इस टाइप से हम कंस्ट्रक्टर को करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, बाकी जो दो कंस्ट्रक्टर हैं पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, थैंक यू बेटा।